विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक यह सिंगापुर का गार्डन बाय द वे पार्क है। यहाँ पे देश विदेश से अनेक पर्यटक घूमने आते हैं और यहाँ प्राकृतिक और नेचुरल वातावरण का लुत्फ उठाते हैं। ये पार्क का स्काई वॉक है। यहाँ पे पर्यटक आके इस गार्डन में स्काई वॉक करते हैं और मनोरम दृश्य का आनंद उठाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये एक सोलर पैनल होता है। यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं उसको ये ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जनरेट करके पूरे सिंगापुर में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। ये जो है स्काई वॉक का नज़ारा यहाँ पे देखिए। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये यहाँ का मशहूर होटल मरीना बे होटल है और यहाँ से स्काई वॉक जो भी पर्यटक आते हैं वो ज़रूर स्काई वॉक करते हैं। पच्चीस से 50 मीटर के बीच की दूरी पर स्थित गार्डन बाय द सुपर ट्री बड़े कैनोपी के साथ डिज़ाइन किए गए हैं जो दिन में तो छाया प्रदान करते ही हैं और रात में रोशनी और ध्वनि के एक शानदार प्रदर्शन के साथ जीवित रहते हैं। इन कैनोपी और सुपर ट्री के बीच में आप खड़े होकर इसका आनंद ले सकते हैं। 22 मीटर नए सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी में गार्डन और मरीना बे स्काई लाइन के मनोरम स्थलों का आप आनंद ले सकते हैं। ये अनोखे पेड़ गार्डन के चारों ओर सुपर ग्रो टी 12 लगाए गए हैं जबकि 6 को गोल्डन और सिल्वर गार्डन में पेड़ों के समूह में रखा गया है। गार्डन के एक अलग दृश्य में जाएं और OCBC स्काई वे के साथ टहलें। 128 मीटर लंबा वॉकवे जो सुपर ग्रो में दो सुपर ट्री को जोड़ता है। सुपर ट्री टॉप व्यू में 50 मीटर ऊंचाई पर आप घूमें, चिल्ल करें, गार्डन के मनोरम दृश्यों के साथ आसपास के मरीना बे क्षेत्र को भी देख लें। यहाँ पे लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जाता है जो कि इस पर्यटन स्थल को और मनोरंजक और आकर्षक दिखाई देता है। जब भी आप यहाँ पे गार्डन बाय द बे में जाएं तो ये लाइट और साउंड शो को ज़रूर देखें और एंजॉय करें। यह पार्क रात में और भी काफ़ी आकर्षक दिखने लगता है और लाइट और जो यहाँ पे जो पेड़ों का जो मिलन है वो काफ़ी सुंदर और आकर्षक दिखता है। तो इसे आप लोग भी कभी भी सिंगापुर जाएं तो इस पर्यटक स्थल को ज़रूर विजिट करें और इसका आनंद उठाएं।